लोगों में चर्चाएं हैं कि व्यापारियों को धमकी मिल रही है, क्या इस तरह की भी कोई बात? मैंने अभी आपसे कहा कि इस तरह की कोई घटना, कोई अफवाह कोई फैलाता है तो हम उस आप उसका नाम बताएं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इस तरह का पैनिक बना, जो आदमी पैनिक बनाता है वो गलत है। इसलिए मैंने आपके माध्यम से आपके स्क्रीन पर मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की अफवाहें कोई उड़ाता है तो आप हमें बताएं। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो ये नाकाबंदी है, क्लियर इसका मैसेज है, सुरक्षा देखो, सबकी सुरक्षा हमारा ध्येय है। उसमें नाके 4 लगे, 8 लगे, 10 लगे, जैसा हमें ठीक लगता है, हमारी एक एक्सरसाइज है, हमारी पुलिस की स्ट्रेटजी होती है, जो हम उसके मुताबिक हम समय समय पर काम करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इसको पैनिक बनाने की कोई कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा सच कोई बात नहीं है, लैंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन है। और हमने जो ये नाके लगाए हैं, ये नशा पे हम पूर्ण रूप से रोक लगा पाए। अब पीछे मैंने बताया कि एक अभियान हमने पूरी तौर से पूरे प्रदेश, पूरे भारत में प्रदेश में चला था, उसको कामयाब करने के लिए, चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए, स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए, किसान जो आए, जो पैसा लेके वो आए, वो सेफली अपना पैसा घर ले जाए, लेके जाए, इसलिए हमारा एक प्रयास है जिसमें हम पूरी तरह से कामयाब हुए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दबी जबान से कि नाकों के चलते जो है चलान काटे जा रहे हैं, जानबूझ के उनको तंग किया जा रहा है। ऐसा कोई भी, वी आर नॉट ए रेवेन्यू जनरेटेड एजेंसी, हमारे ऊपर कोई इस तरह वो नहीं है। लेकिन हम समय समय पर जनता को जागरूक करते हैं, हेलमेट लगाना जरूरी है, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, आप लेन ड्राइविंग करना जरूरी है। देखिए आप हाईवे पे, हम पूरा लेन ड्राइविंग पूरे हरियाणा में बहुत सक्सेसफुली हम लेन ड्राइविंग करवा पाए हैं, उससे एक्सीडेंट का रेशियो भी कम हुआ है। आप लोगों की तरफ से ही ये सवाल उठा था कि इतनी फोर्स कैसे है गोहाना शहर में, तो मैं आपको बता दूं कि क्यों इलेक्शन अभी पीछे मेंबर पार्लियामेंट का होके उसका जो कंडक्ट होना था वो हो चुका है, शांतिपूर्वक रहा, आपने देखा सोनीपत पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और अब विधानसभा का इलेक्शन भी नज़दीक है। उसके साथ साथ जो लोकल मुद्दे थे गोहाना में, जैसे नशे को लेके काफ़ी हमने अभियान चलाया, और इसमें विशेष रूप से पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में भी अभियान नशा के लिए चला, नशाबंदी के लिए, तो एक वो मोटिव है। दूसरा ये कि जो चोरियाँ हैं इस सीज़न में, क्योंकि किसान अपनी फसल की बुआई में लगा है तो उसका पैसे का लेन देन शहर में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस बात को लेके भी एक थोड़ा सा नोटोरियस जो चोरी वारदात हमारे यहाँ गोहाना में, चाहे मोटरसाइकिल चोरी की चाहे घरों की चोरी है, उसको रोकने के लिए एक हमारा प्रयास है, जिसके लिए हमने जो है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सोनीपत से डिमांड रखी थी। उनकी सीपी साहब ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और डीजीपी साहब ने भी हमें सपोर्ट किया, और हमें एक कंपनी जो है हरियाणा आर्म्ड पुलिस की मिली है, जिससे हम ये नाकाबंदी शहर में कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आए हैं। हमारे मोटरसाइकिल चोरी एकदम से बिल्कुल जीरो हो गई है, घरों की चोरियां जीरो हो गई हैं, आवागमन जो जनता का है, भीड़ भाड़, क्योंकि एक ही मुख्य सड़क जो है पूरे गोहाना शहर को जोड़ती है, उसमें पूरा मार्केट है, उसी में रिहायश है, उसी में अनाज मंडी है, उसी एरिया में हमारे जो है कार्यालय भी हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के अब हमें और आप सबको ये महसूस हो रहा है कि जो ये नाकाबंदी की गई, इससे काफ़ी आम जनता को आराम मिला है। और जो चीज़ें मुख्य रूप से जैसे यातायात है या चोरियों का बंद हो जाना, ये सब चीज़ें लोगों को अब अच्छा महसूस करवा रही हैं। सर ये कहाँ कहाँ नाके लगाए, कब तक रहेंगे सर? हमने आउटर में लगाए हैं, दो ही नाके जो हैं वो शहर में मुख्य चौराहों पर हैं, बाकी सारे जो एक तरह से हमारी सीलिंग प्लान है, जो पहले से ही निर्धारित हमारी सीलिंग प्लान है, उसके मुताबिक हमने नाके लगवाए हुए हैं। सर शहर में एक तरफ से अफवाह ही चल रही है, पहले जैसे एक बार माथुराम में जैसे गोलियां चली थी, इस तरह की कोई धमकियों की अफवाह ही चल रही है, क्या इस तरह का कोई मामला भी सामने आया है जिसको लेकर ये नाके लगाए गए हैं? जो घटना हुई थी वो अतीत की बात है, उसमें सभी जो अक्यूज हैं वो गिरफ्त में हैं, जेल में हैं, और इस तरह की घटना आगे ना हो इस बात को मैं झुठलाऊंगा नहीं। इसका भी एक अंदे कोई हम इस चीज़ के लिए भी एक प्रिकॉशन लेना अति आवश्यक है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल आप दूरी बना के रखें, इस तरह की जो दंत कथाएँ उनसे दूर रहें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है कोई किसी तरह की कोई शिकायत है पुलिस की, आपके पास 112 डायल जो है बिल्कुल ईजिली 5 और 7 मिनट में उसका रिस्पॉन्स टाइम है, शहर में तो और भी 2-3 मिनट में रिस्पॉन्स टाइम है, तो बड़ी अच्छी है कि यार भी हमने हमारे हरियाणा पुलिस की तरफ से एक अच्छा कदम है, जो उसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं।
तो अफवाहों से बचें, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें किसी डरने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं और हरियाणा पुलिस का तो वैसे भी एक स्लोगन है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। सर गांव में भी इसकी नाके बढ़ाए गए हैं जिस तरह के शहर में बढ़ाए गए हैं, गांव में भी चोरियां काफ़ी होती हैं, वो टाइम ट्रांसफार्मर चोरी हैं या और किसान की यंत्र चोरी होते हैं। मैंने बताया कि इसीलिए क्योंकि ये सीज़न जो है किसान की बुआई का है और हर आदमी घर से खेत में निकल चुका है, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम जैसे थाना बरोदा है, मोहाना है, हमारी मुडलाना चौकी पानीपत की तरफ से होगी, भैंसवान चौकी उधर हमारी रोहतक की तरफ से होगी, हम समय समय पर नाकाबंदी करते हैं, वो दिन के समय भी रात के समय भी।